त्योहारी मांग से सोयाबीन की कीमतों को सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है। नई फसल आने में अभी एक महीने का वक्त लगेगा। मजबूत डिमांड से हाजिर बाजार में सोयाबीन के भाव बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की मंडियों में भी नई सोयाबीन की आवक धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी मानसून ने फिर से तेजी पकड़ी है। जैसे ही बारिश कम होगी और मौसम खुलेगा, आवकों में इजाफा देखने को मिलेगा। बात करें अगर वायदा बाजारों की, तो वायदा बाजारों में सोयाबीन में कुछ नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। मुख्य उत्पादक राज्यों में सोयाबीन की फसल ठीक ठाक बताई जा रही है और मानसून में भी रिकवरी देखी गई है, जिससे सोयाबीन की फसल के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। वहीं IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता के मुताबिक सोयाबीन की बुआई का रकबा पहले के मुकाबले लगभग बराबर ही देखने को मिल रहा है। हालांकि सोयाबीन के बुआई के रकबे को लेकर अभी तकरार भी देखने को मिली है। कोई ज्यादा तो कोई कम बता रहा है। सोयाबीन की बुआई का रकबा पहले के मुकाबले लगभग बराबर रहने की खबर से सोयाबीन की कीमतों पर बिकवाली का प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है। मंडियों में भी आवकें बढ़ती हुई नजर आएंगी, जिससे कीमतों में नरमी देखी जा सकती है। सोयाबीन में पहले वाली तेजी कहीं न कहीं थमती नजर आ सकती है। अनुज गुप्ता के मुताबिक वायदा बाजार में सोयाबीन में बिकवाली करके चला जा सकता है। सोयाबीन की कीमतें नीचे में 5,700 से लेकर 5,800 के स्तर पर कारोबार करती हुई दिख सकती हैं। हालांकि कीमतें MSP के ऊपर ही कारोबार करती हुई नजर आएंगी। वहीं चीन ने भी ब्राजील से सोयाबीन का आयात किया है, जिससे सोयाबीन की कीमतों को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।